सुप्रभात मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 97 41 13 85 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर सुपरटेट टीजीटी पीजीटी एलटी यूजीसी नेट जेआरएफ लेखपाल यूपी कांस्टेबल और एसएससी आदि के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। एसडीआई की जो वैकेंसी आ रही है इसके भी मैटर तैयार होकर के हमारे पास आ चुके हैं। आप इन नोट्स को प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं और आपको 90% तक जो है प्रश्न हमारे नोट्स से प्राप्त होंगे, ऐसा मेरा वादा है आपसे। आप इसे प्राप्त करके अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित तक बना सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। कहते नहीं है कि सिस्टम में करप्शन कभी कभी जो है छात्रों को बहुत तकलीफ दे जाती है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि कोई भी वैकेंसीज हो, चाहे 68,500 की हो, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती रही हो, चाहे एलटी ग्रेड 2018 रहा हो, चाहे टीजीटी 2021 रही हो, हर जगह भ्रष्टाचार का जो कालिक है वो छात्रों के सम्मुख आई। साल्वर गैंग तो चलो ठीक है भाई, वो तो हर एग्जाम में होता है, हाई स्कूल इंटर से लेकर के एक छोटी से छोटी परीक्षा से लेकर के बड़ी से बड़ी परीक्षा में साल्वर गैंग पहुंचते हैं। लेकिन साल्वर गैंग के इतर जो शिक्षा माफिया हैं, कितने बड़े बड़े नाम जो है सामने आए थे, लेकिन ना तो उनके ऊपर कायदे की कार्रवाई हुई, ना तो परीक्षाएं आदि रद्द की गई, ना तो ऐसा कुछ हुआ कि जिससे कि छात्रों का भरोसा सिस्टम में बन सके। बात कर लेते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती की। 68,500 शिक्षक भर्ती में आपने देखा कि किस तरीके से पीएनपी में जो है मतलब कापियां आदि जलवाई गई और जो है मतलब सचिव महोदय तक जेल चली गई, लेकिन फिर भी उन्होंने जमानत लेकर के फिर उसी पद पे वो आ गई। ये भी एक महानता है ना। और 69,000 शिक्षक भर्ती में आप देख ही सकते हैं डीजे वाले बाबू जो है मतलब 144 नंबर पाए थे, इनको देश के राष्ट्रपति का नाम तक नहीं पता था, फिर भी वो प्रक्रिया निरस्त नहीं हुई। मतलब उनको योग्य शिक्षक चाहिए थे, योग्य शिक्षक उनको मिले और जो है मतलब डीजे वाले बाबू अध्यापक बन गए, वो जाकर के स्कूल में समय डीजे बजा रहे हैं, है ना। तो ये सिस्टम है। अगर इस सिस्टम को जो है मतलब एक बारगी में देखा जाए तो ये मेहनत कश विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं छलावा प्रतीत होता है। मेहनत कश विद्यार्थी मेहनत करता है, 18-18 घंटे की पढ़ाई करता है और उसके बाद जो है परीक्षा दे करके आता है तो पता चलता है साल्वर गैंग पकड़े गए, पेपर आउट हो गया, ये इसमें इतनी धांधली हुई है, सेंटर सेंटर बिक गए थे। इन सारी चीजों को जो मतलब रोका जाना चाहिए। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया, वैसे ही बड़ा दिल इन सभी भर्तियों में भी दिखाना चाहिए था, लेकिन हो गया। होनी को कौन टाल सकता है, और जो है मतलब जो होनी है तो वो होनी है ना। आगे बात कर लेते हैं आपका प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो संगठन प्रयासशील है, हमारे द्वारा जो प्रयत्न किया जा रहा है, उसमें जो रिजल्ट दिख रहा है, वो रिजल्ट चाहे कैबिनेट स्तर के मंत्री महोदय हो, चाहे मुख्यमंत्री महोदय हो, सभी से आश्वासन तो प्राप्त हुआ है कि एक नई बड़ी प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो है मतलब अवश्य ही करवाई जाएगी, उसका विज्ञापन आदि अवश्य ही आएगा। तो आप लोग जो है मतलब तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें, और सुपर टेट जो है मतलब आपको 20 दिन के अंदर पेपर देना पड़ जाएगा, समझ रहे ना। अगर विज्ञापन मतलब इसका 3 तारीख तक जारी होने की प्रबल संभावना है, विज्ञापन जारी होने के 12 दिन तक आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा, उसके बाद जो है मतलब पेपर आपका 20 दिन के अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप तैयारी नहीं किए रहेंगे तो वही रहेगा 90-95, 100, 103, 105 कंपटीशन से बाहर। अगर 120+ करके आना है तो अभी से ही जुटना पड़ेगा आपको। 120+ का मतलब होता है कि आपको सभी 14 सब्जेक्ट जो सुपरटेट में रखे गए हैं, बाल मनोविज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, है ना, और जो है जीएस, मैथ, ये सारी चीजें, जीवन कौशल वगैरह जितनी भी चीजें हैं,
ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़नी पड़ेंगी। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सुपर ट्रेड का महारथी नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा है। सुपर ट्रेड जब मैंने 2019 में दिया था तो मैं स्वयं 139 नंबर ले आया था तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मतलब आपको इसमें पार्टिसिपेट करने की आवश्यकता है और आप प्राप्त करके बेहतर तैयारी कर सकते हैं, ऐसा मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं। चलिए बात करते हैं टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी के लिए। टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी के लिए बहुत सारे छात्र संगठन और जो मतलब छात्र नेता वगैरह भी लगे हुए हैं, लेकिन जो चीजें मतलब अस्पष्ट हुई हैं, जो कि अध्याचन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और मुख्यमंत्री महोदय से भी आश्वासन प्राप्त हुआ है, तो 27,000 से अधिक पदों का एक बड़ा जो है विज्ञापन आपको 27 तारीख से लेकर के 3 तारीख के बीच में देखने के लिए मिलेगा। और ये विज्ञापन अंतिम विज्ञापन है, इसके बाद नई शिक्षा नीति लागू होगी और एक मास्टर बनने से तो आईएएस बनना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ये अंतिम अवसर है, इस अवसर का कैसे लाभ आपको उठाना है, कैसे इस अवसर को जो है मतलब भुनाना है वो आप तय करेंगे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि मतलब निराशा के जिस दौर से आशा की कुछ उम्मीदें आपको दिखी हैं, वो उम्मीदें हम लोगों के सार्थक प्रयत्न से सुदृढ़ इरादों से दिखी हैं, क्योंकि इसके लिए प्रयत्न किया जा रहा है शुरुआत से ही और इतनी जल्दी सिस्टम कार्य नहीं करता, इनको कार्य करने के लिए विवश किया गया। सुप्रीम कोर्ट में जब ये अपना हलफनामा लेके पहुंचे थे तो वहां पर इनसे सवाल जवाब हुआ कि आपके 34,390 पद कहां हैं, इसलिए नया विज्ञापन आना सुनिश्चित हुआ है। ठीक है, तो नया विज्ञापन आना तो तय है, किंतु उस विषय की, उस वैकेंसी की, उस विज्ञापन की कितनी तैयारी आपकी है, क्या आज आप उस स्थिति में हैं कि आप 120 प्लस क्वेश्चन कर पाए। आप अपनी अंतरात्मा से इस चीज को पूछिए, आपकी अंतरात्मा बेहतर जवाब देगी आपको। आप कितने तैयार हैं, कितने जो है प्रिपेयर कर लिए हैं अपने आप को, आपकी प्रिपरेशन कितनी है, ये मायने रखता है आपकी आगामी आने वाली भर्ती परीक्षा के लिए। और एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये विज्ञापन तो आना सुनिश्चित है, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो मतलब विज्ञापन आना है, क्योंकि उसके भी अध्याचन आदि की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। अध्याचन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद लोक सेवा आयोग उस पर कार्रवाई भी कर रहा है, विज्ञापन आदि आपका तैयार हो रहा है। कला की योग्यता के संबंध में जो मतलब विवाद चल रहा था उसका पटाक्षेप भी लगभग लगभग हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि 2018 के कला के विद्यार्थियों की ज्वाइनिंग के संबंध में जो पोर्टल आदि का खोला जाना है, वो पोर्टल बहुत जल्दी ही खुलेगा और उन विद्यार्थियों को राहत मिलेगी जो विद्यार्थी 2018 एलटी ग्रेड में कला विषय से चयनित हैं, चाहे वो टेक्निकल आर्ट के हों, फाइन के हों, प्राविधिक के हों, बीएफए के हों, उनको बहुत जल्दी ही राहत मिलने वाली है। उनकी नियुक्ति का रास्ता साफ होगा और उन्हें नियुक्ति बहुत जल्दी प्राप्त होगी, क्योंकि जब मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख ये सारे प्रस्ताव रखे गए थे तो उनसे सीधा सीधा आश्वासन प्राप्त हुआ था। ये आश्वासन कहीं ना कहीं आपके लिए एक संजीवनी का काम करेगा, इसके लिए सार्थक रूप से प्रयत्न किए गए हैं, बहुत मेहनत की गई है। और मैं इकलौते तौर पे मैं कह सकता हूं कि आपकी नियुक्ति के लिए, वेटिंग लिस्ट के कन्फर्मेशन के लिए, आपके विज्ञापन के लिए, इन सारी चीजों के लिए बहुत ही तन्मयता से, बहुत ही ईमानदारी से जो हम प्रयत्न करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा सुकून के पल दे सके। और रही बात मतलब जानकारियों की, जैसे कि मैंने एसडीआई की जानकारी आपको दी थी, एसडीआई की जानकारी जब हमने बताया था तो बहुत सारे लोगों को बहुत मतलब अजीब सा लगा था कि कहाँ एसडीआई की वैकेंसी आने वाली है, लेकिन जैसे ही आपने देखा कि जो मतलब आदेश जारी हो गया और एसडीआई की वैकेंसी जो है लोक सेवा आयोग ने कन्फर्म कर दी कि विज्ञापन शीघ्र जारी होने चल रहा है, तो आपको जो मतलब इसमें भी तैयारी करने की आवश्यकता है।
उसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब आपका एलटी ग्रेड का शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी बहुत जल्दी ही आने वाला है। नियम आदि जो मतलब जो बदले जाएंगे वो कला के विद्यार्थियों के हित में होंगे, संगीत के विद्यार्थियों के हित में होंगे, हिंदी के विद्यार्थियों के हित में होंगे, सामाजिक विज्ञान में समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थियों के हित में होंगे, ऐसा मेरा भरपूर प्रयास है। और जो सुकून और जो शांति विद्यार्थियों को प्राप्त होती है हमारे द्वारा, सच में बहुत बहुत सुकून मिलता है, बहुत सुख मिलता है। आप लोग पूरी तन्मयता और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहें, तैयारी करते रहें, ताकि आपको असफलता ना मिले। इस बार की असफलता आपको जिंदगी भर पछताने का अवसर प्रदान अवश्य कर देगी, इसलिए इस बार आप असफल ना हो, इस बार आप सफल हो जाएं, ऐसा मेहनत करिए, ऐसी पढ़ाई करिए। कम से कम अभी से ही कंटिन्यूटी बनाइए और 6 घंटे की मेहनत करिए, 6 घंटे की पढ़ाई करिए, ताकि जब विज्ञापन आए तो आपकी नहीं कम से कम तो 45% की प्रिपरेशन खत्म हो चुकी हो, और शेष जो प्रिपरेशन है वो ऑटोमेटिक जो है मतलब आपकी लगन बढ़ जाएगी, आपका जज्बा बढ़ जाएगा, और जो मतलब आपको तैयारी करने के लिए जो हो सकता है बहुत कम समय मिले, तो इस समय का सदुपयोग करिए, तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, लगे रहिए, ताकि जो है मतलब आपको इस बार निराशा ना हाथ लगे। सबसे बड़ी चीजें ये होती है कि मतलब आपने बहुत जगह निगेटिव कंटेंट देखे होंगे, निगेटिव बातें सुनी होंगी, निगेटिव चीजें आपके सम्मुख आई होंगी, लेकिन मैं आपको हमेशा से ही पॉजिटिव चीजें बताता हूँ, मैं आपको हमेशा ही मोटिवेट करता हूँ, डिप्रेशन से बचाने का प्रयत्न करता हूँ, और आपकी समस्याओं को शासनिक प्रशासनिक अधिकारी तक जो है पहुंचाने का भी कार्य करता हूँ, ताकि आपकी समस्याओं का निराकरण हो सके, और आपकी समस्याओं का निराकरण होने के बाद आपको सुखद अनुभूति हो सके, इसके लिए भी प्रयत्न किए जाते हैं। विज्ञापन टीजीटी पीजीटी का, एलटी का, सुपरटेट का, ये विज्ञापन एक बड़े विज्ञापन है और जो मतलब ये आने सुनिश्चित है, इसके लिए भरपूर प्रयत्न भी किया जा रहा है और शीघ्र ये विज्ञापन जारी होंगे। लेकिन आप लोग तैयारी करते रहें, पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई छोड़कर ना बैठे, क्योंकि तैयारी का कोई विकल्प नहीं होता, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक किया करिए। आप लोग वीडियो देखते तो जरूर हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, जाते जाते एक बार बटनिया दबा दिया करो ना, क्या दिक्कत है। अगर आप ऐसे लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी समस्याओं के निराकरण के लिए हम दुगने उत्साह के साथ जो मतलब प्रयत्न करेंगे। इसलिए लाइक की संख्या बढ़ाइए, सब्सक्राइब की संख्या बढ़ाइए, और जो है मतलब विज्ञापन आदि आने दीजिए, आपको जो है मतलब क्लासेस भी उस पर उपलब्ध होंगी, एक्सपर्ट टीम आपको जो है मतलब प्रिपरेशन करने का तरीका बताएगी, किस तरीके से आपको पढ़ाई करना है, कैसे क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे 120+ का स्कोर करना है, ये जो है मतलब आपको हमारी एक्सपर्ट टीम बताएगी, आपको टिप्स दिए जाएंगे, आपको सिलेबस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज प्रदान की जाएगी, आप पूरी तन्मयता से ईमानदारी से तैयारियों में जुटे रहिए, लगे रहिए, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है और विज्ञापन आदि आना सुनिश्चित है। तो निश्चिंतता पूर्वक ईमानदारी के साथ जो है लगन के साथ अपनी तैयारी को अपना अंतिम रूप प्रदान करते रहिए, धीरे धीरे जो मतलब गाड़ी खींचते रहिए, एक न एक दिन तो आपको मंजिल प्राप्त करनी ही है। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।